अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री क्लास 9 एंड आई एम ज़ाकिरुल्लाह, पीएमएस बॉयज 3। सो टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज मोलैरिटी। सो पेज 161, टॉपिक 6.4.2 मोलैरिटी। सो बेटे, व्हाट इज मोलैरिटी? बेटे, मोलैरिटी से आपको किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? सो व्हाट इज मोलैरिटी? बेटे, मोलैरिटी फार्मूले से ही इजीली आप डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है? मोलैरिटी इजीली आप फार्मूले से डिफाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन। सो द फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू मेक द वॉल्यूम 1 dm³। बेटे, आप डीएम क्यूब भी कह सकते हैं, आप लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है बेटे? 1000 मिलीमीटर भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है? सो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू मेक द वॉल्यूम 1000 ml और 1 लीटर और 1 dm³। बेटे, ये डीएम क्यूब, लीटर और मिलीमीटर, ये सारे एक इक्वल क्वांटिटी है, ठीक है बेटे? सो डिफिनीशन की तरफ अगर हम आए, सो मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन यूनिट। बेटे, इससे आपको कंसंट्रेशन के बारे में पता चल सकता है कि किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है? एंड मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, नॉट स्मॉल एम। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम एंड द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी इज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm³। dm³ मीन्स लीटर। अब बेटे देखिए, अल्टरनेट फार्मूला भी है इस मोलैरिटी का है। अगर इस मोलैरिटी के फार्मूले को आप एक्सपेंड कर ले तो चैप्टर नंबर 1 में, क्लास 9 के बुक चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। अब बेटे देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको सादा मोल्स गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, मोलैरिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो बेटे आप फर्स्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं इजीली। लेकिन बेटे, अगर आपको मास इन ग्राम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मोल्स गिवन ना हो, और बेटे कोई कंपाउंड गिवन है, आपको मास इन ग्राम गिवन है, तो फिर आप ये सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है? मोल्स इज इक्वल टू, सेकंड फार्मूला भी बनाया नहीं, बट सेकंड फार्मूला आप यूज करेंगे। सेकंड फार्मूला में बनाता हूं, दिस इज फर्स्ट फार्मूला। सो बेटे देखिए, अगर मोल्स की जगह हम मोल्स की वैल्यू पुट कर ले फॉर्मूले में, तो आपके पास मोलैरिटी का जो अल्टरनेट दूसरा फार्मूला है वो ये बनेगा। बेटे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स को हटाकर मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वो जो तो हमारे पास रह गया, इन dm³, वॉल्यूम इन dm³। सो बेटे, ये मोलैरिटी का फार्मूला है। मोलैरिटी एक शॉर्ट टॉपिक है बेटे बुक में। मोलैरिटी कंसंट्रेशन का यूनिट है। इसके थ्रू आपको किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में पता चल सकता है, ठीक है? सो इसके बाद बेटे, मोलैरिटी के बाद आपको डायरेक्ट एग्जांपल 6.1 देखने को मिलेगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.50 मोल्स ऑफ। सो बेटे देखिए, एग्जांपल 6.1
कैलकुलेट द मोलरिटी, मोलरिटी रिक्वायर्ड है ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 6.75 मोल्स। तो बेटे देखिए, गिवन में हमारे पास मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 7.50 मोल ऑफ CaCO3 इन इनफ वाटर टू मेक 1.50 डीएम क्यूब। तो बेटे देखिए, वॉल्यूम भी आपको गिवन है 1.50 डीएम क्यूब, वॉल्यूम भी गिवन है बेटे, आपको मोल भी गिवन है। सो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी, रिक्वायर्ड है हमारे पास बेटे कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब बेटे देखिए, मोलैरिटी रिक्वायर्ड है, गिवन है हमारे पास 7.50 मोल्स, वॉल्यूम टोटल 1.50 डीएम क्यूब है, मोलैरिटी रिक्वायर्ड है। तो ऊपर आप देखिए, आप खुद गौर करें, फर्स्ट फार्मूला एंड दिस वन इज सेकंड फार्मूला। तो सेकंड फार्मूले की जरूरत नहीं कि आप इतना मुश्किल बने, मास इन ग्राम ले, फिर मोलर मास ले, वॉल्यूम ले, बेटे यहाँ पे ऑलरेडी आपको मोल्स गिवन है। तो फर्स्ट फार्मूले को देखें, मोल्स, वॉल्यूम भी गिवन है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, सो फर्स्ट फार्मूला इसके लिए सूटेबल है। तो आप फर्स्ट फार्मूला देखिए, ठीक है, सोल्यूशन में बेटे बाय यूजिंग फार्मूला मोलैरिटी, मोलैरिटी को आप कैपिटल एम से जाहिर कर सकते, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। अब बेटे वॉल्यूम अगर डीएम क्यूब में ना हो तो फर्स्ट आप उसको डीएम क्यूब में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में आप इसको चेंज करेंगे। तो बाय पुटिंग वैल्यूज एम इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स, बेटे मोल्स हमारे पास है 7.50 मोल, वॉल्यूम है बेटे हमारे पास 1.50 डीएम क्यूब। सो बेटे आपके पास आ जाएगा 15.5, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करते हैं तो आपके पास आ जाएगा बेटे 5.0, या तो आप लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब, या बेटे आप ये लिख सकते हैं 5.0 मोलर सॉल्यूशन। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है बेटे, इस कंसंट्रेशन क्या है 5.0 मोल, मतलब ये है कि बेटे 5.0 मोल इन्होंने 5 मोल एक लीटर में डिसॉल्व किया था, तब जाके कोई सॉल्यूशन बनाया था, और उससे 1.5 डीएम क्यूब सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन लिया है। सो बेटे इस तरह आप मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसमें मैंने आपको बताया है, 1 डीएम क्यूब इज आल्सो इक्वल टू 1 लीटर व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 ml मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब बेटे 1 ml के इक्वल होता है। सो ये अल्टरनेट यूनिट है बेटे, ये आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं। ठीक है बेटे, इसके साथ मोलैरिटी के बाद मोलैरिटी का एक दूसरा क्वेश्चन भी है, एग्जांपल 6.2 है हमारे पास, वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मोल्स गिवन नहीं है बेटे, वहाँ पे मोलर मास गिवन है। तो मोल्स आपने पहले फाइंड करने होंगे, नहीं फाइंड करते तो बेटे आप दूसरा फार्मूला यूज कर ले, दूसरा फार्मूला यूज कर ले और क्वेश्चन सॉल्व कर ले आसानी से। ठीक है, सो बेटे देखिए 6.2 में हमारे पास है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, बेटे ग्राम, दिस मच ग्राम मतलब मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपके पास। ठीक है, इज डिजॉल्व इन वाटर सो एज टू मेक 500 सेंटीमीटर क्यूब, बेटे यहाँ डीएम क्यूब में सॉल्यूशन डीएम क्यूब में गिवन नहीं है, सीएम क्यूब में गिवन है, तो आप इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। डिटरमिन द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, बेटे आपको दोनों की एटॉमिक मासेस गिवन है, मतलब ये है कि ये दूसरे अल्टरनेट फॉर्मूले पे होगा। ठीक है, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। अब बेटे देखिए, NaCl को अगर आप देखें तो आपको अमाउंट गिवन है 5.85 ग्राम, सो दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास आपने फाइंड करना है, मोलर मास किस तरह फाइंड करेंगे, NaCl हाउ मेनी एटम्स ऑफ Na आर प्रेजेंट, ओनली वन एटम, सो 1 × 23 प्लस हाउ मेनी Cl आर प्रेजेंट, ओनली 1, सो 1 × 35.5। सो बेटे देखिए, 23 प्लस 35.5 आपके पास आ जाएगा 58.5 ग्राम
पर मोल। सो बेटा ये आपके पास मोलर मास बन गया, और ऊपर आपको जो NaCl का मास है वो 5.85, ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, ये मोलर मास है मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब बेटा देखिए वॉल्यूम का यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। 500 सेंटीमीटर क्यूब से अगर डीएम क्यूब में आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको बेटे डिवाइड करना होगा 1000 पे। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब 500 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन अगर आप उसको 1000 पे डिवाइड करेंगे सो यूनिट विल चेंज टू डीएम क्यूब, और मस्ट हम यूनिट डीएम क्यूब में चेंज करेंगे, ठीक है बेटे। सो मोलरिटी का अगर ये फार्मूला यूज करें या वो अल्टरनेट फार्मूला यूज करें बेटे, आपको दोनों से आंसर सेम आएगा। सो बेटे मैं अल्टरनेट फार्मूला यूज करना चाहता हूँ मोलरिटी का। सो मोलरिटी का अल्टरनेट फार्मूला ये है, मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। सो मास इन ग्राम हमारे पास था 5.85, मोलर मास था हमारे पास 58.5, और वॉल्यूम है, वॉल्यूम बेटे असल में 500 सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन जब डीएम क्यूब में आपने चेंज किया तो 0.5 डीएम क्यूब आ गया, तो आपने बेटे डीएम क्यूब में वॉल्यूम चेंज करके तब पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ग्राम्स ग्राम्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 5.85 डिवाइड बाय 58.5 से आपके पास आ जाएगा बेटे 0.1, कैलकुलेट कर ले बेटे आपके पास आ जाएगा 0.1, ठीक है। डिवाइड करेंगे 0.1 और नीचे क्या है 0.5, इसको वो 0.1 डिवाइड बाय 0.5, सो द आंसर विल बी 0.2 बेटे, आपके पास वही चीज रहेगी, ग्राम ग्राम कैंसिल डीएम क्यूब, सो द यूनिट विल बी दिस मच मोलर। मोलेरिटी के साथ यूनिट होगा बेटे या तो मोल पर डीएम क्यूब या कैपिटल एम आप लगा सकते हैं, सो द सॉल्यूशन विल बी दिस मच मोलर, ठीक है बेटे। तो थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेटे हम इससे आगे आपको 6.3 करवाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।